डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में दो पॉइंट्स को लिखा था, समझा था। चलिए, प्रतिवर्ती क्रिया ही हमारा टॉपिक से है जो पिछले क्लास में हम लोग दिए थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट को लिखते हैं। लिखा जाए, जिस मार्ग से प्रतिवर्ती क्रिया पूरी होती है, जिस मार्ग से प्रतिवर्ती क्रिया पूरी होती है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। याद रखिएगा, प्रतिवर्ती चाप किसको कहते हैं? तो जिस मार्ग से प्रतिवर्ती क्रिया पूरी होती है। और प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में हम लोग अच्छे से समझे थे कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। तो अक्सर अगर मान लिया कहीं आग लगा हुआ है और हमारा गलती से अचानक से उस जगह पे हाथ चला जाता है, हम अपने हाथ को फटाक से पीछे की ओर खींचते हैं, अपनी ओर खींचते हैं उसको जलने से बचाने के लिए। तो कुल मिलाकर हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक भी पाए जाते हैं। तो ये तो प्रतिवर्ती क्रिया हुआ ना, जो हटाएं एक क्रिया हुआ जिसको हम प्रतिवर्ती चाप भी कह सकते हैं। लेकिन अब हटाने का जो सूचना प्रदान किया, सूचना सोचते हैं हम लोग किसी भी चीज़ को लेकर, वो हमारा माइंड काम करता है। खैर, अभी प्रतिवर्ती चाप लिखे तो प्रतिवर्ती चाप में आपको जानना चाहिए कि जिस मार्ग से प्रतिवर्ती क्रिया पूरी होती है उसको क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप। उसके बाद नेक्स्ट एरो देंगे। लिखा जाए, पूरे शरीर में तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है। ध्यान दीजिए, ये मेरुरज्जु क्या है? तो ये मेरुरज्जु हमारा दिमाग का, बोल सकते हैं कि एक वह भाग है जहाँ से सभी सूचनाएं आकर एकत्र होती है और इस मेरुरज्जु से हमारे माइंड में, ब्रेन में भेज दिया जाता है सूचनाएं। तो पूरी शरीर में जो तंत्रिकाएं होती है वो मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में मिलती है, या बोल सकते हैं कि उसको सूचनाएं प्रदान करती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पूरा इसको हम ब्रेन बोलेंगे, लेकिन नीचे वाला भाग जो ब्रेन के पीछे वाला भाग है वहाँ पे मेंशन किया हुआ है मेरुरज्जु को। और इस मेरुरज्जु, यही एक मेरुरज्जु है जो पूरे शरीर से सूचनाएं प्राप्त करता है और फिर ये हमारे ब्रेन को ट्रांसफर करता है। तो हम स्पेशल जब मानव मस्तिष्क पढ़ेंगे तो इस पूरे मस्तिष्क के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी इसको यहीं तक रहने देते हैं, जब मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे तो और जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे, प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं, कॉमा यही कारण है कि सूचनाएं मस्तिष्क तक जाती है। यही कारण है कि सूचनाएं कहाँ तक जाती है? मस्तिष्क तक जाती है। याद रखना भाई, प्रतिवर्ती चाप किसको कहते हैं? तो जिस मार्ग से प्रतिवर्ती क्रिया होती है उसको प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। लेकिन ये जो प्रतिवर्ती चाप बनती है वो बनती कहाँ है? मेरुरज्जु में। और वो मेरुरज्जु क्या है? तो हमारे पूरे शरीर का सूचनाएं वहां पे प्राप्त होती है। जैसे मान लिया कि हमको कोई चूटी काटा, तो ये चूटी काटा हुआ सबसे पहले किसको पता होगा? तो सबसे पहले मेरुरज्जु में ये बात पता चलेगा और फिर मेरुरज्जु से ट्रांसफर होगा हमारे माइंड में,
तो फिर माइंड का काम है सोचना, सोचकर डिसीजन लेना, फैसला करना कि भाई हमको कोई चूटी काटा तो उसको हमको क्या सजा देना है। समझ में आ रही है? मेरुरज्जू को पता चला हमारे पूरे शरीर से कि कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है, कहीं कोई चूटी तो नहीं काट दिया, कहीं कोई हमको थप्पड़ तो नहीं लगा दिया। तो कहने का मतलब ये सूचनाएं मेरुरज्जू को प्राप्त होता है और इसके बाद क्या करना है इसके लिए भेजता है कहाँ पे, हमारे ब्रेन के पास, सोचने के लिए कि इसके बाद करना क्या है। तो चलिए उसके आगे हम लोग नेक्स्ट एरो देते हैं। ये भी प्रतिवर्ती क्रिया के ही अंतर्गत टॉपिक्स लिखे जा रहे हैं, तो नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप, अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुई है, इसलिए विकसित हुई है, इसलिए विकसित हुई है क्योंकि क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है, बहुत तेज नहीं है। याद रखिएगा बहुत सारे ऐसे जंतु हैं, ऐसे जीव जंतु हैं जिनमें क्या है प्रत्यावर्ती चाप इसलिए होता है क्योंकि उनका माइंड सोचने पे मजबूर नहीं है। एक्चुअली आप जैसे कि कोई भी जैसे हाँ आप जैसे सिंपल है, जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, ये सबको कोई चूटी काट दिया या फिर कहीं आग लगा हुआ है तो ये अपना शरीर को बाहर हटा लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करना है ये उनका दिमाग काम नहीं करता है, उनको उनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। तो याद रखिएगा जिसके पास सोचने का शक्ति नहीं है उसके पास प्रत्यावर्ती चाप विकास किया है, विकसित हुआ है। अब इसका आपको मतलब समझना है कि आखिर ऐसा क्यों। तो देखो किसी जंतु के पास सोचने वाला दिमाग नहीं है, उसके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है, इसी के वजह से उसमें क्या विकसित हुआ प्रत्यावर्ती चाप। अब चाप ये भी विकसित नहीं होता तो कोई भी जीव अगर कहीं पे भी उसको चूटी काटो, कहीं से भी मारो, उनको कोई फीलिंग्स नहीं आती, उनको कोई तन का तंत्रिका ताम काम ही नहीं करता। तो याद रखिएगा कि उनमें सोचने की शक्ति नहीं है इसलिए क्या विकास हुआ है, उनका क्या विकसित हुई है प्रत्यावर्ती चाप, जो कम से कम तंत्रिका तंत्र तो उनका काम करता है ना। कि अगर मान लिया कि कोई कोई भी जीव जानवर है, अगर यहाँ पे आग लगा है और गलती से उनका बॉडी अगर उसके टच में आ जाता है तो अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, क्यों, क्योंकि उनका तंत्रिका तंत्र काम कर रहा है, उनकी मेरुरज्जु उनको ये सलाह दिया जा रहा है कि ये बाबू तुम्हारे लिए हानिकारक है, तुम इसको पीछे हाथ हटा लो, अपने शरीर को बचा लो। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिसके पास सोचने समझने का शक्ति नहीं है उसके पास भी है प्रत्यावर्ती चाप। ऐसा नहीं समझें कि सिर्फ हम ही लोग यानी कि मानवों के पास दिमाग है इसके वजह से हम किसी चीज़ को पीछे हटाते हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि अगर आप किसी भी जानवर को भी अगर ऐसी क्रिया करना पड़े तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो इस यहाँ पे दिमाग का रोल नहीं है। दिमाग एक्चुअली काम करता है सोचने का। जैसे मान लिया तुमको एक लपड़ लगा दिया कोई, तो ये दर्द किया तुमको, मेरुरज्जू काम किया कि भाई कोई लपड़ लगाया है, किस स्थान पे लगाया, तो पैर में, पीठ में, कहाँ पे लगाया, गाल में, तो ये पता चलेगा। लेकिन हमारा माइंड ये काम करेगा कि एक लपड़ के बजाय उसको दो लपड़ देना है, यानी सोचता है उसके बारे में किसके बाद करना क्या है, जबकि जीव जानवरों में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए तो आप उनको गाय को भैंस को लठे लठी से डंडे डंडे पीट देते हैं और फिर उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उनका बस सोचने का समझ शक्ति नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनका दर्द नहीं किया, उनके पास भी तंत्रिका तंत्र है, उनके पास भी मेरुरज्जू है, उनके पास भी पर्यावर्ती चाप होती है। तो याद रखिएगा
कि जिसके पास दिमाग नहीं है उसको भी इन सारी चीज़ों से डर है, उनको भी अपने शरीर के लिए परवाह है, अपने शरीर को रक्षा करने का एक हक है। इसलिए आप ये समझिए कि जिस जंतुओं के पास, जिस जानवर के पास सोचने के लिए दिमाग नहीं है, इसलिए भगवान ने उनके यहाँ विकसित कर दिया क्या, प्रत्यावर्ती चाप। तो इस तरीके से प्रत्यावर्ती चाप के जो भी पॉइंट्स बचे थे इसका हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग मेन टॉपिक्स पे आए हुए हैं जिसका नाम है दोस्त मानव मस्तिष्क। अब यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मानव मस्तिष्क के बारे में। बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पे दोस्त प्राप्त करेंगे हम लोग कि मानव मस्तिष्क क्या है, मानव मस्तिष्क का वजन क्या होता है, कितना होता है, मानव मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है। अगर कोई नशेड़ी नशा करता है, गांजा दारू सिगरेट ये सब पीता है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है। ऐसा नहीं कि उसका दिमाग से पैदल हो जाता है, दिमाग उसका खराब हो जाता है, ऐसा नहीं है। मस्तिष्क भी आप पढ़ेंगे ना तो मस्तिष्क को तीन भाग में बांटा गया है। एक हो गया आगे वाला मस्तिष्क, आगे का दिमाग, एक बीचों बीच जिसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और एक होता है अनुमस्तिष्क जो पीछे होता है। याद रखिएगा कि अक्सर जो हमारा मस्तिष्क है वो बिल्कुल एक खोपड़ी के अंदर स्थित है। खोपड़ी का काम है कि उसके अंदर जो भी सोचने का शक्ति है या मस्तिष्क है उसको सुरक्षा प्रदान करना। जैसे कि हमारे शरीर के ऊपर चमड़ा का काम क्या है, हमारे अंदर बॉइल्ड ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है, रक्त का प्रवाह होते रहता है, उसके अंदर हड्डी है, उसके अंदर और भी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उसको रक्षा करने का काम करता है। आप शर्ट पैंट अपने कपड़ा ऊपर ढकते हैं अपने शरीर को रक्षा करने के लिए। तो कुल मिलाकर ऐसा ही हमारा मस्तिष्क है। हमारा मस्तिष्क एक खोपड़ी में बसा हुआ है, खोपड़ी के अंदर वो फिट है। खोपड़ी का काम है मस्तिष्क को बचाना, उसकी रक्षा करना। जैसा कि जानते हैं मस्तिष्क को तीन भाग में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। और आपको समझना चाहिए कि सबसे सोचने वाला जो भाग है वो हमारा पीछे है, पक्ष मस्तिष्क, जिसको अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। ये हमारा शरीर का सबसे सोचने वाला भाग है, दिमाग लगाने वाला भाग है। इसलिए अक्सर आप आपके घरों में ये बोला जाता होगा कि जब भी छोटा बच्चा है उसको पीछे से नहीं मारिए, जिसको लेवाड़ी बोलते हैं, लेवाड़ी में नहीं, उसको पीछे से आप नहीं उसको ज़्यादा मारिए सर में, क्योंकि यहीं पे होता है क्या, अनुमस्तिष्क, सोचने वाला मस्तिष्क होता है। तो बहुत डीपली हम लोगों को यहाँ पे नॉलेज मिलेगा कि भाई मस्तिष्क का वजन कितना होता है, मस्तिष्क हम कैसे सोच पा लेते हैं, मस्तिष्क में ऐसा क्या होता है जिसके वजह से हमको जानकारियाँ प्राप्त होती है। उसमें भी अग्र मस्तिष्क का काम क्या है, जो आगे वाला मस्तिष्क है उसका काम क्या है, जो मध्य मस्तिष्क है उसका क्या काम है, और जो पक्ष मस्तिष्क है उसका काम क्या है, और ये इसके साथ लगा हुआ रहता है मेरुरज्जु पीछे की ओर, इसका काम क्या है। हालांकि इसके बारे में हम लोग पढ़े ही कि मेरुरज्जु का काम है पूरे शरीर से प्रत्यावर्ती चाप को ग्रहण करना कि कहाँ कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके आगे ट्रांसफ़र कर देता है हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में। तो कुल मिलाकर मस्तिष्क, दैट इज़ VVI पॉइंट। तो आपको क्या करना है, मस्तिष्क के नीचे सबसे पहले एरो नहीं देना है, सबसे पहले जो यहाँ पे गोला कर रहे हैं यहाँ पे आप मस्तिष्क के फिगर बना लेना है। फिगर बनाने के बाद सबको नाम दर्शा दीजिएगा, कौन अग्र मस्तिष्क है, कौन मध्य मस्तिष्क है, कौन अनुमस्तिष्क है, कौन मेरुरज्जु है, सभी चीज़ों को आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। जो स्क्रीन पर हम अभी आपको दिखा देते हैं, ये रहा आपको मस्तिष्क, और ये मस्तिष्क को आपके NCERT बुक में मिल जाएंगे। ये मस्तिष्क को आपको यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है जहाँ पर हम गोला घेरे हुए थे इसके पहले। चलिए अब स्क्रीन से इस मस्तिष्क को हटाते हैं और चलिए उसके नीचे
फर्स्ट पॉइंट को हम लोग राइट डाउन लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ बना लेना है फिगर, उसके नीचे फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे मेरु रज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है, मेरु रज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है, जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। जी हाँ, याद रखिएगा मेरुरज्जु जो पीछे की ओर होता है वो तंत्रिका तंत्र से बना होता है, और यही तंत्रिका तंत्र का काम है कि जितने भी सोचने वाला सूचना है यहाँ पे इकट्ठा करती है और सब ट्रांसफर करती है हमारे दिमाग को, ताकि तुम सोचो। हम दे रहे हैं आपको काम, काम क्या है, सोचने वाला। तो जितना भी सोचने वाला काम है वो मेरुरज्जु में इकट्ठे होते हैं और मेरुरज्जु ट्रांसफर कर देता है हमारे माइंड को, ब्रेन को, कि तुम सोचो। सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। उसके नीचे सेकेंड अरु देंगे, लिखेंगे मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं जो शरीर के सभी भागों से, जो शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करती है। याद रखिए मस्तिष्क, मस्तिष्क ये वाला भाग है और मेरुरज्जु, ये दोनों मिलकर एक ऐसा तंत्रिका तंत्र बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो सवाल आएगा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसको कहते हैं, तो हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु जब दोनों मिल जाते हैं तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। इसी भाग से सभी, इसी भाग में शरीर के सभी भागों द्वारा सूचनाएँ प्राप्त की जाती है। वो कब, तो मस्तिष्क और ये हमारा बोल सकते हैं मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के मिलने से क्या बनता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो दोस्त ये मस्तिष्क का फिगर बनाना है और दो पॉइंट्स हम लोग मस्तिष्क में डिस्कस किए हैं। तो अगले दिन से हम लोग, आने वाले अगले क्लास में हम लोग तीसरे पॉइंट से मानव मस्तिष्क में पढ़ेंगे। तो आपको अच्छे से पेंसिल की सहायता से नामकरण भी ठीक ढंग से होना चाहिए और फिगर बनाना है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।